हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? नमस्ते, सत श्री अकाल, सारेयानू। और आप सब ठीक हो ना? हम भी सब ठीक हैं। आज हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं अंडे की भुर्जी। आज दिखाते हैं हम कैसे बना रहे हैं अंडे की भुर्जी। सामान दिखा देते हैं हम पहले। सबसे पहले आपको ये हमने लहसुन कर रखे हैं 5-6-7, और ये हमने कर रखी है अदरक छील कर रखी है, और 4 मिर्चें कर रखी है, और 8-9 प्याज कर रखे हैं। अब हम इसको काट के फिर आपको दिखाएंगे रेसिपी। गाइस, इतने मोटे अपने ये प्याज काटने, ज़्यादा बारीक भी नहीं, ठीक ठीक काटने। और मैंने इसमें चिल्ली कटर में वो लहसुन अदरक हरी मिर्च कर दी है बारीक, और मैंने एक करछी तेल भी डाल दिया है जो अब गर्म हो रहा है। अब जब गर्म होएगा फिर हम इसमें प्याज पहले डालेंगे, जीरा, फिर डालेंगे प्याज, और ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च इकट्ठे डाल देंगे। अंडे 5 बनाने हैं, उसी हिसाब से मैंने प्याज काटे हैं। अब लगाएंगे हम इसमें तड़का। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें जीरा 1/2 चम्मच। इसमें हमने प्याज और अदरक वो लहसुन हमने काट रखे थे हरे में, और ये हमने कट्ठे डाल दिए। अब ये कट्ठा भूनते रखे थे, अब तक हम अपना अंडे को तोड़ते हैं। प्याज हो गए हैं ब्राउन, और हम इसमें डालेंगे इन्हें काट लो, फिर हम इसमें डालेंगे अंडे को मैश कर दिया है, और थोड़ा सा डालेंगे हम दूध, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स हो गया, अब इसमें डालेंगे हम, मीडियम कर दिया हमने गैस, हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, हम इसमें डालेंगे हल्दी और 1/2 स्पून गरम मसाला, और 1 चम्मच सूखा धनिया, और लाल मिर्च थोड़ी सी, और फिर हम इसको अच्छे से कर लेंगे। गैस को तेज कर देते हैं। हम डालेंगे इसे मिक्स कर लेते हैं फिर दोबारा से मिक्स हो जाए, हम इसको डालेंगे इसको हिलाते हुए, हम अच्छे से इसको मिक्स करते हुए मिक्स करते रहेंगे करते रहेंगे, ताकि ये पक जाए। इसको हमने धीमी आंच पे नहीं, फुल आंच में ही बनाएंगे, फुल आंच में सही तरह बन जाएगा और पक भी जाएगा। धीमी आंच में रखेंगे तो फिर वो थोड़ा ना पानी सूखता नहीं है। लाइट चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे ना। आप सोच रहे हो मैंने अंडे भी दूर को डाला, अंडे भी इसलिए मैंने थोड़ा सा दूर से डाला ताकि ये थोड़े हल्के हल्के दाने दाने दार बने, और ज़्यादा वो हम बिना दूध के बनाते हैं ना तो एकदम से इकट्ठा हो जाता है, इसलिए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया इसमें, ताकि वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। धनिया काट के रखा था मैंने, थोड़ा सा और डालेंगे, मिक्स करते हैं।
छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि ये और नीचे से पक भी जाए। गाइस कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप कमेंट भी नहीं करते, आप कमेंट करेंगे मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि हाँ आपको मेरी सब्ज़ी बनी अच्छी लगी है और बना के भी देखे खा के भी देखे आपको कैसी लगी। इसके बनने के बाद हम करेंगे प्लेटिंग। गाइस बन चुकी है हमारी ये अंडे की भुर्जी, अब हम करेंगे प्लेटिंग फिर आपको दिखाते हैं। देखो गाइस मैंने कर दी प्लेटिंग, आप भी ज़रूर बनाना अंडे की भुर्जी जैसे मैंने बनाई है। आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे भी कमेंट में बताना। बाय गाइस, थैंक यू सो मच आपने मेरी रेसिपी देखी। अगर मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना और बेल आइकन दबाना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर भी करना। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय। कमेंट जरूर बताना कि आप लोग कैसे बनाते हैं फिर मैं भी ट्राई करूँगी।